नाग पंचमी भगवान शिव की कृपा और नागों से आशीर्वाद पाने का एक शुभ दिन। ज्योतिषी कहते हैं कि चमत्कारी है नाग पंचमी का ये पर्व। इस दिन नागों के साथ कैलाशनाथ शिव की विशेष कृपा बरसती है, लेकिन इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, नहीं तो रुष्ट भी हो सकते हैं नागदेव। ध्यान से देखिए, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा न करें, नागों की स्वतंत्र पूजा न करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हो, उन्हें इस दिन न तो भूमि खोदनी चाहिए और न ही साग काटना चाहिए। मान्यता है कि नाग पंचमी पर अगर इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए विधि विधान से शिव संग नागों की पूजा की जाए तो जीवन के सभी बाधाओं का नाश हो जाता है। कहते हैं सावन के महीने में बारिश के कारण सांपों के बिल में पानी भर जाता है और वो सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। ऐसे में महादेव के इस प्रिय आभूषण की सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पर्व की परंपरा शुरू की गई। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी पर पूजन करते हुए कौन कौन से नागों के नाम का उच्चारण करना शुभ होता है। नाग पूजन करते समय 12 नागों का नाम लेना उत्तम होता है। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा कारकोटक, तीसरा अश्वतर, चौथा शंखपाल, पांचवां पद्म, छठा कंबल, सातवां अनंत, आठवां शेष, नवां वासुकी, दसवां पिंगल, ग्यारहवां तक्षक और बारहवां कालिया। इन नामों के उच्चारण के बाद इनसे अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि नाग पंचमी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों से राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। कैसे, गौर से देखिए। एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर प्रतीकात्मक रूप से सर्प बनाएं। इसे एक आसन पर स्थापित करें, कच्चा दूध, बताशा, फूल अर्पित करें, गुग्गल की धूप जलाएं। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र ओम के केतवे नमः का जाप करें। इसके बाद एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। अब रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित करो। नाग पंचमी आस्था का एक ऐसा पर्व है जब सारे पाप अभिशाप शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको नागों से डर भी लगता है तो इस दिन एक खास उपाय से आपकी यह समस्या भी खत्म हो सकती है। देखिए कैसे। चांदी के 2 सर्प बनवाएं, साथ में एक स्वस्तिक बनवाएं, एक थाल में रखकर नागों की पूजा करें और एक थाल में स्वस्तिक। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करें। ओम नागेंद्र हराय नमः का जाप करें। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वस्तिक को गले में धारण कर लें। ये तमाम उपाय आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, इसलिए नाग पंचमी की पूजा की तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि कल है नागों से कृपा पाने का दिन, नाग पंचमी।